तो स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। यू आर वॉचिंग राकिब मौसम द फिटनेस। और आज मेरे साथ फिर से हमारे दोनों भाई हैं। पहले पिछले वीक भी आने वाले थे लेकिन उन लोगों का काफ़ी बिजी शेड्यूल था, तो बिजी लोग हैं, बड़े लोग हैं भाई लोग, तो आ नहीं पाए, तो इस वीक टाइम निकल के आए हैं। तो आज फिर से कुछ नया सीखते हैं, चलिए जानते हैं उनसे। और भाई बताइए कैसा चल रहा है? जिम के अलावा बाकी सब कुछ खराब चल रहा है, जिम में एक चीज जो अच्छा चल रहा है। तो जिम ही सबसे बढ़िया चल रहा है ना? सबसे बढ़िया चल रहा है। सुबह 2 घंटे हो जाती है वर्कआउट, और फिर दिन का काम बस ऑफिस जाओ आओ, खाना बनाओ, डाइट, जितना मील्स, 3-4 मील्स खाते हैं दिन में, बस वो बनाओ और काम करो अपना। बस काम पे फोकस होना हो, लेकिन वो जिम और डाइट पे होना चाहिए, होना चाहिए। और आपका क्या हालत है? मेरा भी वैसे ही है, मैं भी इनसे कुछ अलग ही नहीं हूँ। मेरा भी वही सुबह जिम, हाँ सुबह एक डेढ़ घंटा जिम में होता है, फिर ऑफिस, फिर घर, और वैसे ही कुछ, वैसे कुछ नया चीज़ नहीं हो रहा है, बस यही चीज़ चल रहा है। तो आज बात बताइए, आर्म्स वर्कआउट के लिए आप कितने सेट्स लगाते हैं? आर्म्स वर्कआउट बेसिकली बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए मैं, अगर डिपेंड करता है, अगर बल्किंग सीजन कर रहा हूँ, बल्क कर रहा हूँ, तो हेवी थोड़ा जाता हूँ, 8 से 10 रेप लगाता हूँ पहला सेट में। और अगर मतलब कटिंग शेडिंग फेज में हूँ तो लाइट वेट लेता हूँ, और लाइट वेट में 15 से 18 रेप्स करता हूँ। और बिटवीन एक्सरसाइजेस और एंड बिटवीन रिपीटेशंस कम टाइम में लेता हूँ, जैसे कि 30 सेकेंड, और बल्किंग टाइम में थोड़ा 1-2 मिनट का रेस्ट लेता हूँ। यानी आप बल्किंग में आप सेट्स कम लगाते हो? सेट्स कम लगा, स्टूडेंट में आप ज़्यादा लगाते हो? तो हम आते हैं दूसरा सवाल पे, वीकली एक मसल को कितना बार ट्रेन करना जरूरी है? वीकली हम मैं बेसिकली बाइसेप्स ट्राइसेप्स को वीकली एक बार ही ट्रेन करता हूँ, क्योंकि छोटे मसल्स होते हैं तो ज़्यादा ट्रेन करने से कुछ फ़ायदा ही नहीं है। जैसे बड़ा मसल्स हो गए, बैक और चेस्ट हो गए, तो मैं इनको 2 बार ट्रेन करता हूँ। और रूटीन में वही फॉलो करता हूँ कि बल्किंग टाइम में हैवी जाता हूँ और शेडिंग टाइम पे लेस लाइट वेट पे करता हूँ, मोर रिपीटेशन। तो आप शेडिंग में हो या बल्किंग में हो? अभी फ़िलहाल तो शेडिंग में ही हूँ। तो आपका आज का डाइट क्या था? डाइट आज मैं जनरली सुबह को हेवी कार्ब्स लेता हूँ, फिर आफ्टरनून को, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हेवी कार्ब्स विद प्रोटीन, आफ्टरनून प्रोटीन और कार्ब्स बहुत कम लेता हूँ, उसके बीच में मैं छोटे छोटे मील्स लेते रहता हूँ, जैसे कि योगर्ट्स हो गया या ड्राई स्प्राउट्स हो गया, कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए। उसके बाद डिनर पे मैं बस सैलड और प्रोटीन लेता हूँ, प्रोटीन जैसे कि सलाद और प्रोटीन और कुछ चपाती वगैरह कुछ भी नहीं? नहीं, मैं कार्ब्स बंद कर दिया हूँ। तो मेहनत तो बहुत हो रहा है, तो कार्ब्स में सुबह आप ज़्यादा हैवी कार्ब्स लेते हो? हाँ, ब्रेकफास्ट हैवी लेता हूँ क्योंकि वो दिन भर का सप्लीमेंट मुझे बॉडी को देता रहता है, एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है, नहीं तो जिम के बाद ऑफिस में बहुत थकान हो जाती है। सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री में तो दिन भर बैठना पड़ता है वहाँ पे 9 घंटे, बॉडी को एनर्जी देते रहेगा वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी इम्पोर्टेंट होता है बहुत। तो आप लास्ट में जो लेते हो प्रोटीन, क्या क्या लेते हो? बेसिकली बॉयल्ड चिकन में लेता हूँ, क्योंकि हफ्ते में 4-5 बार मैं बॉयल्ड चिकन ले लेता हूँ लंच पे, नहीं तो कभी कभी कुछ और सोर्स ऑफ प्रोटीन, जैसे कि अपना प्रोटीन पाउडर ले लेता हूँ कभी, या प्रोटीन बार्स जैसे ले लेता हूँ। तो मैं, चलिए उनसे बात करते हैं, फिर आते हैं आपके पास फिर से, ठीक है? तो भाई साहब, तो आप बताइए कुछ, ये आप ही पकड़ के जी। हाँ, तो आपका क्या डाइट था सुबह से? मेरा तो भाई साहब के जैसी तो बॉडी है नहीं, लेकिन फिर भी लेकिन आपने तो फैट लॉस किया ना, वो एक्सट्रीम फैट लॉस। हाँ तो सुबह का डाइट ये रहता है कि सुबह मूसली या हमारा जो भी कॉर्नफ्लेक्स हुआ या कुछ भी, वो दूध के साथ खाता हूँ। ओट्स भी लेते होंगे? हाँ, ओट्स कभी कभार लेता हूँ।
साथ में 6-7 अंडे लेता हूँ। फिर ये हुआ सुबह का ब्रेकफास्ट, और प्री लंच में थोड़ा सा जूस हुआ या ऑमलेट हुआ, ये थोड़ा सा खाता हूँ। फिर लंच में 2-3 चपाती और करी, और शाम में भी वही योगर्ट या ऑमलेट या वैसे कुछ, और रात को एक रोटी और दाल खाता हूँ, नहीं तो 2 अंडे खाता हूँ बस। एक बार हाँ, तो आपका आज का वो प्री वर्कआउट में क्या था? प्री वर्कआउट में वो डिपेंड करता है कि कौन सा मसल हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, जैसे कि बड़ा मसल हुआ, बैक हुआ, चेस्ट हुआ या लेग्स हुआ, तो उसमें हम लोग लेते हैं BCAA हुआ कि अमीनो हुआ, कुछ भी वो सब लेते हैं। और नहीं तो अगर छोटा मसल, जैसे कि आज ट्रेन करेंगे बाइसेप और ट्राइसेप के लिए, तो उसके लिए ज़्यादा उतना एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, हम लोग वैसे ही बिना कुछ सप्लीमेंट्स के भी हम लोग चला सकते हैं। तो और वर्कआउट के दौरान भी हम लोग थोड़ा बहुत पानी पी लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग प्री वर्कआउट में ब्लैक कॉफ़ी या कुछ लेते हैं, तो ब्लैक कॉफ़ी सही रहता है प्री वर्कआउट के लिए? ब्लैक कॉफ़ी क्या होता है, ब्लैक कॉफ़ी थोड़ा एनर्जी देता है बॉडी को, और कैफीन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है उसमें, तो मतलब नींद नहीं आती है या वो टायर्ड फील नहीं करते हो बॉडी, इसका मतलब पूरा एक्टिवेट हो जाता है, वेट रहता है थोड़ा। और ब्लैक कॉफ़ी थोड़ा ज़्यादा लेने से आपका जो वेन्स होता है वो वेन्स थोड़ा पॉप आउट होते हैं, तुम एक्सरसाइज करते हो तो वो थोड़ा मतलब एनर्जेटिक फील। और जो भी चीज़ हम लोग बोले, सारे चीज़ बिना चीनी के ही लेना, चीनी के साथ कभी मत लेना। तो आप सुन रहे हो, शुगर स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, ठीक है? और इसके साथ वो पार्टी भी, अल्कोहल तो बहुत होते होंगे सबके, तो वो भी छोड़ना है। अगर आपको किसी भी फिटनेस गोल के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आप नो पार्टी नो अल्कोहल, और क्या क्या छोड़ना चाहिए बता दीजिए। जिम को छोड़े, जिम के अलावा बाकी सब कुछ छोड़ दो चलेगा, बस जिम नहीं छोड़ना, जिम और डाइट भी नहीं। तो अभी जो हमें शूट कर रहे हैं वो भी आएंगे कैमरे पे, तो वो भाई भी हाँ बहुत अच्छा फिजिक है उनके, तो उनको उनको भी बुलाते हैं, ठीक है? ढोले भी देखिए। हाँ स्टार्ट। हाँ सर जी, आप अपना नाम बता दीजिए उन लोगों को, हमारे जनता को, जनता तो है नहीं इतने बस चालू है। हाय, मेरा नाम अनिल है। अच्छा। सो मैं वर्कआउट लाइसेंस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी तक मेरा बस चलता है। मैं गेनिंग में एक्चुअली मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, सो मेरा गेन धीरे धीरे होता है, बस चल रहा है, देखते हैं कब होता है। भाई का फिजिक तो देखा है ना आपने, और भाई का एक नंबर टैटू है, दिखाओ टैटू दिखाओ। ये सही है, और ये वाले जो रॉक रॉक जैसे थोड़े थोड़े, लेकिन वो बेटर लगते हैं मुझे रॉक से। थैंक यू। तो आपका क्या है, आप आज क्या वर्कआउट करने आए थे? मैं चेस्ट वर्कआउट करूंगा। अच्छा, तो चेस्ट के लिए आप प्रिपरेशन क्या क्या करेंगे? चेस्ट में बेसिक है कि डाइट सही होना चाहिए, तो आज मैंने कम्प्लीटली कार्ब्स लिया हूँ। तो मेरा डाइट स्टार्ट होता है अर्ली मॉर्निंग से, लाइक मैं लेता हूँ, आज मैंने लिया हूँ बनाना शेक, सो एंड बनाना शेक मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ऑफ लाइक पीनट्स बटर, एंड देन ओट्स डाला 1 स्पून, तो उसको एक मिक्स करके मैंने ले लिया। कब लिया ये? लिया मैंने 8 o'clock उठने के बाद, सुबह सुबह लिया। फिर उसके बाद 10 बजे मैंने 2 अंडे को ऑमलेट करके खा लिया। तो फिर लंच किया, फुल एक वाइट खाए थे या फुल मैंने लिया। तो फिर लंच में मैंने लिया राइस लिया और चिकन लिया, चिकन ब्रेस्ट पीस। सो उसके बाद मैंने वर्कआउट जब स्टार्ट करने आया तो मैंने लिया वाइट राइस एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो, उसको बॉईल करके खा लिया। तो आप राइस हर रोज खाते हो? क्योंकि आपको अभी गेनिंग चल रहा है। तो सुन लो, राइस अगर आप फैट लॉस के लिए रेडी हो रहे हो, प्रिपेयर हो रहे हो, तो आपको राइस एवरीडे नहीं लेना है। तो अगर ट्रेनिंग सीजन में है तो आप, और उसके बाद मैंने लिया बीटरूट जूस, उसमें पुदीना डाल के उसको ग्राइंडिंग करके पी लिया। नाउ आई एम रेडी फॉर द वर्कआउट। सो उसके बाद 5 एग अभी बॉयल करके आया हूँ, जाने के बाद खाऊंगा, फिर उसके बाद सप्लीमेंट्स लेना है मुझे बस। और डिनर में क्या लेंगे? डिनर में चिकन है मेरे पास, घर में रखा हुआ है फ्रिज में, उसे थोड़ा खाऊंगा मैं, और
भाई पे आके सो जाऊँ। ठीक है, तो देखा भाई का शेड्यूल, देखा सबका जान लो और फिर अपने आप में सेट कर लो कि आपको क्या करना है, उससे थोड़े बहुत नॉलेज तो आप लोगों को भी मिलेगा। तो ठीक है, चलिए आज हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और